नमस्कार, मैं हूँ सबानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुर हलचल। रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में एपीआई घटनाएं देखने को मिली हैं। इनमें से कई मामले सीधे सीधे सांप्रदायिकता से जुड़े। गुजरात, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश के बाद अब बिहार से भी ऐसी ही घटना का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों को मस्जिद के सामने शोर मचाते और भगवा झंडा फहराते देखा जा सकता है। वहीं दूसरी वीडियो में झंडे को मस्जिद की एक मीनार से उतारा जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। पहले वीडियो में कैप्शन में उन्होंने लिखा है, रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर पहुंचकर भगवा झंडा फहरा दिया गया। तस्वीरें बिहार में मुजफ्फरनगर के मोहम्मदपुर गाँव की है। पुलिस ने कहा जाँच चल रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरा वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मुजफ्फरपुर में ईदगाह के गुंबद पर भगवा झंडा फहराने पर दो पक्षों में तनाव। आला पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। पुलिस की मौजूदगी में गुंबद से भगवा झंडा उतारा गया। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई मुजफ्फरपुर की दूसरी घटना। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुए, लोगों ने इस तरह से रिएक्शन देना शुरू कर दिया। एथेना नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं अरबाज अशरफ नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ये कानून का राज नहीं बल्कि गुंडों का राज है, ये लोग हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ये बहुत अपमानजनक है जब मुस्लिमों का साल का सबसे पवित्र महीना रमजान चल रहा हो, उसमें इतनी धार्मिक असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के लिए इतनी नफरत, इस बारे में पीएम कब बोलेंगे। ओह, लेकिन वो तो चुप रहेंगे क्योंकि उनके वोट बैंक के लिए सही है। अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो। वीडियो वायरल होने के बाद जब हंगामा बढ़ा तो इलाके के SP जयंतकांत ने मीडिया से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, दोनों मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को काबू भी किया, कहीं से भी हिंसा की खबरें सामने नहीं आई हैं। पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि हालात सामान्य करने में पुलिस को स्थानीय लोगों का लगातार समर्थन मिला। उनके मुताबिक वायरल वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।